आज हमारे साथ शीला जामरोडकर हैं जो कि हमारे साथ हैं और ये हमारे साथ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और साथ में ये बहुजन समाज के लिए सपोर्ट में भी हैं और साथ ही ये हमारे से बात करने के लिए आई हैं। मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैम आज जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा इशू रहा है वो दुष्कर्म का रहा है, कई जगहों पे गलत कार्य हो रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, हैदराबाद में कई सारे ऐसे इलाके हैं हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कोई नेता इस पर ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है और खास तौर पर महिला जो अध्यक्ष होती है वो इस पर कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं रही इस पर बीजेपी सरकार की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम प्रोटेस्ट करने से क्या होता है, लोग कैंडल लेकर के निकलते हैं, कैंडल निकालने से कुछ नहीं होता है, कानून इतने अच्छे बनाए हुए हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक के इनको दो चारों को फांसी नहीं चढ़ाएंगे तब तक के कुछ नहीं होने वाला। लोगों का कहना है जब तक नेताओं की बेटियां सेफ है ना तब तक उन्हें कोई कुछ नहीं लगता। की बेटियों के साथ नहीं होगा ना, उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, आम जनता के लिए क्या है? आम जनता के लिए तो कुछ नहीं है ना, आम जनता के वोट पा करके सब, जब इतने सारे चौकीदार बैठे थे हर लोग बोलता था मैं भी चौकीदार, कहाँ के मर गए अभी सारे चौकीदार। अब कोई बेटी को बचाने के लिए कोई चौकीदार जागा नहीं है। चुनाव खत्म होते साथ मैं भी चौकीदार हैशटैग भी हटा दिया गया और चौकीदारी भी खत्म हो गई है। अब अपने आप जियो, हमने वोट पा लिए, बात खत्म हो गई। आज वही चौकीदार रेप कर रहे हैं, चौकीदार रेप करने वालों का साथ भी दे रहे हैं, उनके खुद मंत्रालय के लोग हैं, उनके नेता लोग हैं, वो लोग सारे ये सब काम कर रहे हैं। सर ये मैम ये भी सुनने में आ रहा है कि जो चार लोग थे जिन्होंने दुष्कर्म करे थे उनको गोली मार दी गई है, एनकाउंटर कर दिया गया, कहाँ तक सच है? बहुत अच्छा किया, यहाँ तो अगर न्याय बहुत अच्छा है, बनाने वाले ने बाबा साहब ने बहुत अच्छा न्याय बनाया, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। तो जब बाबा साहब अपना संविधान सौंप रहे थे उसी टाइम रो रहे थे, वो बनाया तो मैंने इतनी मेहनत से है, पर लागू करने वाले किस तरह से लागू करेंगे मुझे नहीं पता है। और वो आज वही स्थिति है कि लागू नहीं किया जा रहा है और बोलते हैं हाँ फांसी देना चाहिए। कल साक्षी महाराज का भी एक स्टेटमेंट था, नहीं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार में तुम बैठे हो, कौन बनाएगा कानून? और बनाने से क्या होता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? आम जनता करना चाहती है, लाओ उनको हवाले कर दो हमारे। निर्भया 7 साल पहले गई हुई है, अभी तक क्या कोर्ट भी अपने मजे ले रहा है और जनता परेशान है। जिसकी बेटी गई है उसको माँ बाप की हालत सुनिए क्या होगी। आज तो जो हुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हैट्स ऑफ टू पुलिस, हैदराबाद पुलिस को बिल्कुल।